दुनिया के तमाम देशों ने पीएम मोदी की रूसी यात्रा पर अपनी पैनी नजर गड़ा ली है, चाहे बात अमेरिका की कर लें या फिर पाकिस्तान की कर लें, या फिर इन दोनों देशों के अलावा एक देश है चीन की कर लें, जो पीएम मोदी की रूसी यात्रा पर बड़ा बयान देने उतर गया है। ये बयान सुनकर खुद भारत भी हैरान हो जाएगा। दरअसल चीन की ओर से भारत की जमकर तारीफ की गई और चीन के तोता अखबार कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी के दौरे की जमकर तारीफ की और इसे भारत की कूटनीतिक सफलता बताने से नहीं थक रहा। चलिए अब जानते हैं क्या कुछ कहा चीन ने पीएम मोदी की रूसी यात्रा को लेकर। दरअसल चीन की सरकारी मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स से बातचीत के दौरान सुचाओ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर विक्टर गाओ ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री के रूस दौरे को अमेरिका या पश्चिमी देशों को आश्चर्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने खुद को अमेरिका और पश्चिमी देशों के अच्छे दोस्त के रूप में दिखाने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ रूस का पारंपरिक दोस्त और सहयोगी भी साबित किया। भारत का ये स्मार्ट कदम है क्योंकि वो वही कर रहा जो नई दिल्ली के लिए फायदेमंद है। भारत और रूस के बीच मजबूत रक्षा साझेदारी है, लेकिन एक चीज जिस पर दोनों सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो ऊर्जा का क्षेत्र है। कच्चे तेल के मामले में रूस भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर सामने आया और दोनों साथ काम करते हैं, तो भारत को मध्य एशिया के रास्ते रूस से सीधी प्राकृतिक गैस भी मिल सकती है। रूस से गैस मिलना औद्योगिकीकरण के साथ ही भारत की निर्माण क्षमता के विस्तार के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बिना दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा नीति के आप औद्योगिकरण को बढ़ाने की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो भारत से बड़ी मात्रा में युवा पुरुष और महिलाएं रूस में काम के अच्छे अवसर हासिल कर सकते हैं। तो ये रहा चीन से आया हुआ वो बयान जिसमें एक ओर अमेरिका पर निशाना साधा गया है तो दूसरी ओर भारत की विदेश नीति की सराहना की गई। चीन की ओर से आए इस बयान में भले ही भारत की जमकर तारीफ की गई हो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि चीन कभी नहीं चाहता कि भारत रूस की दोस्ती मजबूत रहे। हालांकि चीन के सामने रूस ने कई बार इस बात को साबित किया कि दुनिया में रूस का कोई पक्का दोस्त है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। और सच्चाई ये भी है कि रूस भारत की दोस्ती की चर्चा करने के लिए चीन को अब मजबूर होना पड़ा, क्योंकि चीन पीएम मोदी की इस यात्रा को अमेरिका की हार के रूप में दिखाना चाहता है। अब भारत तो भारत है, उसके अमेरिका और रूस दोनों के साथ अच्छे संबंध है, लेकिन चीन की आदत है आग लगाना और वो इस वक्त लगा रहा है जिसमें वो इस बार भी फेल यानी असफल साबित हो रहा है। खैर, आपका क्या कुछ कहना है भारत रूस की दोस्ती पर जिस तरह से चीन का बयान आया है और पीएम मोदी की यात्रा को लेकर पहली बार चीन ने अपना मुंह खोला है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।